Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to study about the next part of speech, that is conjunction. What is it? Conjunction kisko kehte hain? The word conjunction coined from the Latin word conjugare, joined together. Conjunctions are words that link other words, phrases, clauses and sentences like peanut butter and jelly. आपको सिंपल वर्ड में ये मैं ऐसे समझा देता हूँ कि ये कैसा वर्ड होता है जो दो या दो से ज़्यादा फिक्रों को जोड़ता है. ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो जोड़ने में काम आए, चाहे वो वर्ड्स हों, चाहे वो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम कर रहे हों, ठीक है, चाहे वो कोई आइडियाज़ को जोड़ रहे हों, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे. इसका की कंसेप्ट ये है कि ये ऐसे वर्ड्स का जो काम है, ये लिंकर्स होते हैं, ये वर्ड्स को जॉइन करते हैं, ठीक है, स्कॉच टेप की तरह काम करते हैं. ठीक है, और आप कह लें कि एक लफ्ज़ या कोई सेंटेंस आपको ऐसे चुभता हुआ लगे तो उसको कम करने के लिए, या आप कह लें कि टेक्स्ट का फ्लो बेहतर करने के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो उन लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? कंजक्शंस. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि कंजक्शंस वो वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंसेस को, क्लासेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंजक्शंस. ठीक है, इनको हम कनेक्टर्स या जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. तो ये भी ध्यान में रखें कि बाज़ का सवाल ये भी आ जाता है कि कनेक्टर्स को डिफाइन करें, तो कनेक्टर्स का मतलब वो कंजक्शंस ही पूछ रहे होते हैं, या जॉइनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं तो वो कंजक्शंस के बारे में पूछ रहे होते हैं. तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस बेसिकली जो नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेंटेंस. और जैसे वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई वांट इट, ठीक है, एंड सो ऑन. क्लास किसको कहते हैं? कि पूरे सेंटेंस में से कोई उसका एक हिस्सा जिसका अपना ही सब्जेक्ट हो और अपना ही प्रेडिकेट हो, यानी सब्जेक्ट के अलावा जितना भी बाकी हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. और जो पहला जो बंदा काम कर रहा होता है, जैसे ही, शी, इट को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, या और भी इस तरह के वर्ड जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, तो उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं. और जो बाकी पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे अहमद हैज़ अ फ्रेंड हु इज़ रिच. अब अहमद क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाकी इसका प्रेडिकेट है. देखिए, हैज़ अ फ्रेंड. अब क्योंकि ये दो फिक्रे हैं, तो अगर ये हम पूरा फिक्रा इसका ये पार्ट हटा दें, ठीक है, अहमद हैज़ अ फ्रेंड, तो ये एक पूरा सेंटेंस है जो कि इसी पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है. तो लिहाजा अब ये क्या हो जाएगा? ये क्लास बन जाएगा. ठीक है, ओके. तो कुछ टाइप्स हैं कंजक्शंस की, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, और कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं. ठीक है, तो ये इसकी टाइप्स हैं कंजक्शंस की. हम एक एक मैं आपको डिफाइन करता हूँ. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? ये वो कंजक्शंस होते हैं जो कि हर वर्ड या हर सेंटेंस को बराबर अहमियत देते हैं. ठीक है, जैसे देयर आर सेवन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सात हम यूज़ करते हैं, जैसे बट, और, सो, एंड, येट, फॉर, नॉर. तो ठीक है, आई लाइक कॉफ़ी बट माई वाइफ प्रेफर्स टी. अब वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी? अब ये दोनों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कॉफ़ी भी और टी को भी. ठीक है, तो आई हैव ड्रंक सिक्स कप्स ऑफ कॉफ़ी टुडे, सो आई हैव गॉट अ हेडेक. तो अपनी दोनों फिक्रों में इम्पोर्टेंस दे रहा होता है ये वर्ड, तो इसलिए फिक्रों को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं. जैसे आई टेक मिल्क एंड शुगर इन माई टी, ही 72, येट ही स्टिल स्विम्स, रन्स एंड प्ले फुटबॉल रेगुलरली. तो ये आप देखेंगे फॉर, नॉर, येट, एंड, ये तमाम आपके क्या हैं? ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं. इनका फंक्शन क्या है? सो कब इस्तेमाल होता है? ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ का कोई उसका नतीजा निकलना हो, उसका कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, कोई नतीजा. कुछ जैसे ही वॉज वेरी हंग्री, वो इतना भूखा था, इसका असर क्या होगा? सो ही एट ऑल द केक. इसका असर ये होगा कि वो तमाम केक खा गया. बट किसके लिए यूज़ होता है? कंट्रास्ट के लिए. दो चीज़ों के दरमियान जब हम कंट्रास्ट पैदा करते हैं, तजाद पैदा करते हैं, तो उसके लिए हम बट, यानी आई ईट केक, मैं केक खाता हूँ, लेकिन आई नेवर ईट बिस्किट्स, मैं बिस्किट नहीं खाता, मैं बिस्किट कभी नहीं खाता. अब ये दोनों के दरमियान फ़र्क बता रहा है कि केक तो खाता हूँ लेकिन बिस्किट नहीं खाता. फॉर किसके लिए यूज़ होता है? फॉर यूज़ होता है कि आप उस चीज़ को वाज़ह कर रहे होते हैं, जैसे वाई, क्यों, मोर फॉर्मल एंड लेस कॉमन देन बिकॉज.
ज़्यादातर वो चीज़ फॉर्मल है और कम जो है वो आम है, ठीक है, यानी कॉमन कम है। जैसे ही इज़ ओवर वेट, उसका वजन ज़्यादा है, फॉर ही ईट्स टू मैनी केक्स एंड बिस्किट्स, इसलिए कि उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादा खाता है, केक खाता है और बिस्किट खाता है, इसलिए वो ओवर वेट है, ठीक है। तो यानी ये फॉर उस जगह पर इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी वजह से हो रही होती है, ठीक है, यानी अब ओवर वेट है क्यों, इसके लिए कि वो ये केक और बिस्किट खाता है, तो इसकी वजह ये है, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एंड कब इस्तेमाल करते हैं, ये सिमिलरली सेम वर्ड है, सिमिलर और इक्वल, विदाउट कंट्रास्ट के दो फिक्रों के दरमियान हम यूज़ करते हैं या दो चीज़ों के दरमियान। तो हिज फेवरेट स्नैक्स आर केक्स एंड बिस्किट्स, ठीक है, तो अब दो चीज़ों में मिलाते हैं जब हम सेम चीज़ें, तो उसके लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। नार जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं कि जब कहते हैं ना तो ये ना फिर ये, ठीक है, यानी फॉर टू नॉन कंट्रास्टिंग ग्रामेटिकली, यानी वो कंट्रास्ट नहीं कर रही होती, उनके दोनों में तजाद नहीं होता, लेकिन आपको चॉइस दे दी जाती है कि आप या तो ये खाएं या फिर वो खाएं। देखें, ही डजंट ईट केक नॉर डज द ईट बिस्किट्स, तो यानी ना तो वो केक खाता है और ना ही वो बिस्किट खाता है, ठीक है। तो और अक्सर या का मानी इस्तेमाल होता है, यानी बिफोर एन ऑल्टरनेटिव, कि दो ऑप्शन जब आपके पास हों तो आप कहते हैं कि या तो ये ले लें या फिर वो ले लें, ठीक है। और जैसे हम वुड यू लाइक अ केक और बिस्किट्स, तो यानी क्या आप बिस्किट पसंद करोगे या केक इस्तेमाल करोगे, दोनों आपके पास ऑप्शन हैं। येट, येट कहते हैं अभी तक, यानी जो काम हो चुका होता है, ये कंट्रास्ट के लिए, तजाद के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी चीज़ों से हटकर, ठीक है। और जैसे ही इज़ ओवर वेट एंड फील्स टेरेबल, येट अभी तक ही कंटिन्यूज टू ईट लॉट्स ऑफ केक एंड बिस्किट, अभी तक वो खाता है, यानी वे देखें ओवर वेट है और वो उसे तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन अभी तक वो क्या कर रहा है कि उस चीज़ को अभी तक केक और बिस्किट खा रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट भी पैदा करता है और दूसरी चीज़ों से हट कर भी इसको यूज़ किया जाता है। सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबॉर्डिनेट अक्सर हम उसको कहते हैं कि जो आपके साथ बंदा काम कर रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं ये मेरा सबॉर्डिनेट है। तो अब यहाँ पे देखें क्या करता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, सेंटेंस में कभी ये अकेला नहीं होता। अ क्लॉज जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। और सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये इंट्रोड्यूस करता है, किसको इंट्रोड्यूस, किसको तारफ कराता है, अ सबॉर्डिनेट क्लास को, जो उसके क्लास साथ होता है, यानी जो फिक्रा उसके साथ होता है और उस फिक्रे में उसका सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है। एंड जॉइंस इज टू द मेन क्लास, और उसे फिर मेन क्लास के साथ भी लिंक करता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, हाउ, वेयर, बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, वेरीज, वेरेस, दो, बिफोर, वाइल, अनलेस, तो ये सो, वेयर इज, ये तमाम क्या आपके सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, जो कि मेन यानी इंडिपेंडेंट क्लास को सबॉर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लास से जोड़ते हैं, ठीक है। और द क्लॉज वो क्या होता है जो कि सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है और वो हमेशा सबॉर्डिनेट क्लास होता है और डिपेंड कर रहा होता है मेन क्लास पर, और उसके बगैर इसका वजूद मुमकिन नहीं है, ठीक है। जैसे शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है, क्यों रो रही है, बिकॉज यू आर अनकाइंड, क्योंकि आपने उसके साथ मेहरबानी नहीं की, ठीक है। तो अब देखें कुछ कॉमन सबॉर्डिनेट कंजक्शंस जो हैं वो क्या हैं, सो दैट, सिंस, अनटिल, टिल, एज सून, एज, वेन एवर, व्हाइल, तो ये तमाम आपके क्या हैं, ये आप देख लें, इनको आप याद कर लें, तो ये तमाम वर्ड्स जब भी फिक्रे के दरमियान आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सबॉर्डिनेट कंजक्शंस कहेंगे, और ओवरऑल इसको कंजक्शन कहते हैं, लेकिन अगर टाइप्स पूछें तो उनमें आपने सबॉर्डिनेट कंजक्शंस कहना है। और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं, व्हेन आई गॉट माय टेस्ट बैक आई वाज वेरी हैप्पी, बिफोर आई वेंट बैट आई लिसन टू माय आईपॉड एंड सो ऑन, देखें ऑल दो माय सेल्फ, ये तमाम आपके क्या हैं, सबॉर्डिनेट कंजक्शंस हैं, इनको आपने याद करना है। आई वॉन्टेड टू गेट अ ह्यूज टीवी बट, ठीक है। और अब देखें इनमें आपने मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सबॉर्डिनेट कंजक्शंस, अब यही आपकी मेन एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने याद रखना है सबॉर्डिनेट कंजक्शंस की, स्पेशली बिकॉज, एज, सो दैट, एज सून एज, अनटिल। अब ये देखें फिक्रे में कैसे इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो ये तमाम आपके वर्ड्स जो हैं क्या हैं, आपके सबॉर्डिनेट कंजक्शंस हैं।
ठीक है। इसके अलावा ये भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज देकर इन तमाम को एक दफ़ा पढ़ लें। ये जो हाइलाइटेड हैं ये तमाम आपके सबॉर्डिनेट कंजक्शंस हैं। थर्ड आ जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? ये पेयर की फॉर्म होते हैं, यानी जिस तरह नीदर नॉर, ठीक है, ईदर और, ये ऐसे वर्ड जो हैं ये आपके क्या हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें दोनों लफ्ज़ जो हैं ये फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, ईदर और, ठीक है, उस ईदर नॉर, ऐसे ये तमाम लफ्ज़ जो हैं ये जब भी फिक्रे भी यूज़ होंगे तो वो उन्हें हम क्या कहेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शंस। जैसे बोथ एंड, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ इंग्लिश एंड उर्दू, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली इज ही अ प्रोफेशनल फुटबॉल बट ही इज ऑल्सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन, नॉट बट, यानी जिस फिक्र में दोनों लफ्ज़ इकट्ठे यूज़ होंगे तो ये दोनों फिर क्या होंगे, कोरिलेटिव कंजक्शंस होंगे। जैसे नीदर नॉर, वेदर और, नो सूनर देन, तो ये तमाम आपके क्या हैं, जब भी आप देखें, आप देखें नीदर नॉर्वे नॉर स्विट्जरलैंड, मैरिज इज नीदर हेवन नॉर हेल। अब ये दोनों इसमें इस्तेमाल होंगे, जब दोनों होंगे तो ये दोनों आपके वर्ड क्या हैं, ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शन हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है कंजक्टिव एडवर्ब्स। ये कौन से वर्ड होते हैं? ये वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं और मिला के एक नया सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जैसे एंड, ठीक है, एंड की तरह होते हैं, लेकिन इसमें सेंटेंस में मजीद कुछ मीनिंग का इजाफा कर देते हैं, जैसे द मूवी वॉज रियली बैड, बहुत यानी बुरी थी, देयर फॉर, इसलिए मैनी पीपल लेफ्ट अर्ली, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है जल्दी चले गए। तो अब देयर फॉर ने इजाफा कर दिया कुछ मीनिंग में, फिक्रे में, ठीक है, यानी मूवी तो बहुत बुरी थी इसलिए, इसकी वजह ये बनी कि, और अब देखिए इस बात ने इसकी में मजीद इजाफा कर दिया, तो इस तरह हैंस, अदरवाइज, ऑल्सो, स्टिल, ये तमाम आपके लफ्ज़ हैं क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देखें सेंटेंसेस में मीन वाइल, हाउ एवर, देयर फॉर, सो, नेवर लेस, बिसाइड, ये तमाम आपके कौन से हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ गए होंगे। मजीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं मजीद उस पर कुछ और वीडियोस बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखें, और आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में याद रखें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं, मेरा पाकिस्तान, आप सब मिलकर हम अपने पाकिस्तान को एक एजुकेटेड पाकिस्तान बनाएं, और अपने मुल्क में हर बंदे को हमने सिखाना है, ठीक है, ये बेसिक हमारा टारगेट है कि हमने अपने मुल्क में हर बंदे को एजुकेशन देनी है, ठीक है, और ताकि हमारा मुल्क जो है हर लिहाज से आगे तरक्की करे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हर मुसलमान को और एक दूसरे को हेल्प करने की, ठीक है, चाहे वो किसी भी नज़रिए में है, ठीक है, चाहे इंसान का अपना मफाद भी उसमें शामिल हो, ठीक है, लेकिन उसका ओवरऑल मकसद जो है लोगों की भलाई हो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जब आप लोगों की भले के लिए बात करते हैं या भलाई के लिए सोचते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है, तो दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों की हेल्प करें, आपको अगर ज़्यादा समझ आ गया दूसरों को समझाएँ, ठीक है, और ये एक सदका जारिया है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी सपोर्ट करें, और मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं कम से कम उस चीज़ पर एक और वीडियो बनाकर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकूं। तो आखिर में बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।